अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया पॉइंट। दोस्तों, पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका से मैच हारने के बाद कौमी क्रिकेट टीम की इंतजामिया में खासी तशवीश पाई जाती है और शायकीन क्रिकेट भी पाक भारत मैच को लेकर खासे फिक्रमंद नजर आते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच का इस हवाले से ताज़ा तरीन बयान सामने आ चुका है, आइए आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन कहते हैं कि आलमी कप में पाकिस्तान का पहला मैच ही प्रेशर मैच है। ऐसे मैचों में तजर्बा बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की सूरत में बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो इन पर पूरा भी उतरेंगे। शारजा की विकेट पर 150, दुबई में 170 अच्छा स्कोर साबित हो सकता है। मैथ्यू हेडन कहते हैं कि ये मैच सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी प्रेशर मैच है। दोनों ही टीमें भरपूर मेहनत और जबरदस्त खेल पेश करेंगी। मेरे लिए पाकिस्तान टीम की कोचिंग एजाज है। टीम के साथ मुआहिदा मुख्तसर है, ताहम मैं अपना 100% पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए किस किस खिलाड़ी को लाजमन कौमी टीम में शामिल करना चाहिए? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।